अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद मरियम। कैसे हैं आप सब और कैसा वक्त गुजर रहा है आप सबका लॉकडाउन में? घरों में बैठ के क्या कर रहे हैं? आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दो पोटैटो रेसिपीज़, जो कि हैं सूजी और आलू के फिंगर्स और ब्रेड रोल्स। दोनों में आलू यूज़ होंगे, तो विदाउट चिकन हैं, बिल्कुल वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियंस इसको आराम से बना सकते हैं और बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ हैं रमज़ान के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं सूजी और आलू के फिंगर्स। सूजी मैंने ली है आधा कप, इसको मैं बाउल में डाल रही हूँ। और बॉइलिंग वाटर आधा कप मैंने लिया है, बॉइलिंग वाटर है, इसको मैंने कप में डाला है और आपके सामने इसमें सूजी में मिक्स कर रही हूँ। और 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे ऑयल, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए साइड पे। यही काम आप सॉस पैन पे कर सकते हैं, चूल्हा ऑन करके और उसको आप पानी को बॉईल किया, उसमें जब सूजी डालेंगे तो फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, ऑयल डाल के उसको मिक्स करके रख देंगे। दो मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर दिया था और इसको मैं कद्दूकश कर रही हूँ। आप मैशर की मदद से या फोर्क की मदद से इसको मैश भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें आलू को मैश करना है। मैश हो गया है, इसमें हम सूजी का मिक्सचर डालेंगे, जो हमने सूजी और गरम पानी उसमें डाला था वो इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून्स के करीब धनिया, 2 टेबलस्पून्स कॉर्नफ्लावर, नमक डालेंगे हसबे ज़ायका, मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें गार्लिक पाउडर। ये तीनों चीज़ें डाल के इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हाथों को अच्छी तरह से हमने ग्रीस कर लेना है और इसका हमने छोटा सा बॉल बनाना है और इसको हमने शेप दे देनी है फिंगर्स की। मेरे हाथ से थोड़ा सा छोटा साइज़ है, आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा ना कीजिएगा वरना वो पे टूट जाता है। इसी तरह से हमने सारे फिंगर्स बना देने हैं और एक ट्रे में रखते जाएंगे। ठीक है, ये शेप बन गई है। ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है और गरम ऑयल में ही हमने इनको डालना है। फ्लेम जो है आपकी होगी मीडियम टू हाई, हाई फ्लेम, बहुत ज़्यादा देर नहीं रखिएगा वरना फिर ये बहुत जल्दी पक जाते हैं और अंदर से फिर सॉफ्ट रह जाएंगे। हमने इनको क्रिस्पी करना है, इतना फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी हो जाए। जब एक साइड से गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इसकी साइड चेंज करनी है, दोनों साइड से जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम निकाल देंगे। और आपने ये भी चेक करना है कि ये क्रिस्पी हो जाएं, जब क्रिस्पी होंगे तो फिर आप इनको निकालेंगे। थोड़ा सा और पकाएंगे हम इनको। अब ये तैयार हो गए हैं, मुझे ये क्रिस्पी फील हो रहे हैं तो मैं इनको निकाल रही हूँ। हमने जब कॉर्नफ्लावर ऐड किया तो उसको फ़ौरन बना देना है, अगर आप बाद में बनाएंगे तो आप कॉर्नफ्लावर उस वक्त ऐड करेंगे जब आप फ्राई करेंगे। तो सूजी आलू के फिंगर्स तैयार हो चुके हैं, इसको आप सर्व करेंगे चिली गार्लिक सॉस या फिर केचप के साथ। रमज़ान में इफ्तारी के टाइम या फिर शाम को स्नैक्स बना के बच्चों को खिलाएं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हम बनाएंगे ब्रेड रोल्स। ब्रेड रोल्स के लिए दो मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इनको बॉयल करके और हमने अच्छी तरह से कद्दूकश कर देना है या फिर मैश कर देना है। इसमें हम डालेंगे चॉप्ड कैप्सिकम, बहुत छोटा छोटा साइज़ है, 1/4 कप, 1/4 कप ही चॉप्ड कैरेट है और मैंने इसको बॉईल किया था, 1/4 कप स्प्रिंग अनियंस, जो अनियन का पार्ट है वाइट और ग्रीन दोनों पार्ट होने चाहिए, और ये हैं हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून चॉप्ड, और हरा धनिया डालेंगे 2 टेबलस्पून तकरीबन चॉप्ड,
आपको अगर हरी मिर्चें नहीं डालनी तो आप ना डालें, हसबे जायका नमक और लाल मिर्चें 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 1 टीस्पून। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब ब्रेड स्लाइस लें और उसकी साइड्स कट करके, और इसको हमने बेलन की मदद से फ्लैट कर देना है। पतला हमें चाहिए तो इस स्लाइस को हमने पतला कर देना है। और इस पे हम डालेंगे फिलिंग, एक साइड से फिलिंग डाल के, और इसको हम रोल कर देंगे। ब्रेड आपको पुरानी लेनी पड़ेगी, 1 दिन या 2 दिन पुरानी हो तो उससे ब्रेड बॉल्स अच्छे बनते हैं। फ्रेश आप ब्रेड लेंगे तो वो टूट जाती है। पानी की मदद से इसको हम शेप देंगे, सॉफ्ट करेंगे ब्रेड का किनारा सॉफ्ट करके, और इसको आप प्रेस करें तो बहुत अच्छी तरह से इसको शेप आ जाती है। इसी तरह से साइड्स पे या एजेस पे पानी लगा के, और हमने इसको बंद करना है अच्छी तरह से। दूसरी साइड से भी फिलिंग ज़्यादा है तो थोड़ी सी मैंने निकाल दी, और इसको भी हम बंद करेंगे। और अच्छी तरह से हमने इसको शेप दे देनी है। ठीक है, ये तैयार हो गया है। इसी तरह से हमने बाकी ब्रेड स्लाइसेस से भी इसी तरह से रोल बनाने हैं। अब मैंने लिया है एक अंडा, उसको मैंने फेंटा है, और दूसरी साइड पे हैं ब्रेड क्रम्स। पहले हमने इसको अंडे में डिप करना है अच्छी तरह से, और साइड्स को भी डिप करना है। उसके बाद हम डालेंगे इसको ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स से भी अच्छी तरह से कोटिंग करके आपको इसमें डाल के, और अच्छी तरह से प्रेस कर करके रोल करके इस पे कोटिंग लगाइए ताकि अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, ये हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी ब्रेड रोल्स की भी कोटिंग करेंगे। बहुत अच्छे ब्रेड रोल्स बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। आप फिलिंग में चिकन भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, इसमें वेरिएशन ला सकते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से हमने गरम किया है, और इसमें हम डालेंगे अंदर जो आलू की फिलिंग है वो तो कुक्ड है, बस हमने बाहर से कलर इसको देना है। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हमने इसको निकाल देना है। इसको भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। एक साइड से जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसको निकाल देंगे। दोबारा इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। अब ये हो चुके हैं, इसको मैं निकाल रही हूँ। तो ब्रेड रोल्स भी तैयार हो चुके हैं, इसको भी हम सर्व करेंगे केचप या चिली गार्लिक सॉस के साथ। तो कैसी लगी आपको ये दोनों रेसिपीज़? रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इफ्तार का मज़ा दुबाला कीजिए। और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि लॉकडाउन के दौरान जो इजी रेसिपीज़ हैं वो बताइए, तो ये बहुत इजी रेसिपी है। आराम से ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर में मिल जाते हैं, तो उनके लिए मैंने स्पेशली ये रेसिपी बनाई है। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरी दूसरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और लास्ट में भी लिंक आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।